हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्रिएटिव। कैसे आप सब? बढ़िया ही होंगे। जस्टिन की सुबह आसली में तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं, एवरीवेयर अराउंड इनकी एल्बम मोनोपोली मूव्स के बारे में बातें हो रही है, बिकॉज हर एक यूजर देन किंग इज डूइंग समथिंग व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एंड नॉट एक्सपेक्टेड से मतलब मेरा जो कोलैबोरेशन वो लेकर आ रहे हैं, जैसे एंकी स्टैन के साथ कोलैबोरेशन उनका, देन उसके बाद बेला जो के साथ में, एंड नाउ वी हैव वॉर क्राई में एक रफ्तारबाजी। एंड रफ्तारबाजी को हम जानते हैं असल में वो जज थे जहाँ से किंग बिकेम किंग। किंग्स आर वेरी मच एक्साइटेड कि क्या है इस गाने में, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। सो इट्स मोमेंट एंड बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर दैट आप ट्रैवल करने हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करने के आपको भी हम लास्ट तक देखें। ओके, सो ये अभी तक बहुत 5 मिनट का गाना है यार। वो गलियों से निकल के राजा बना, वो घर बन के गया तो करूँगा मैं खुद को बड़ा। दुनिया वाले टोकते रहे वो सुनता अब किसी की है कहाँ। मैं सच कहूँगा तो कड़ी भी लगेगी, पैसा जो नचेगा हाथों पे दुनिया बस तेरी सुन लेगी। भाई जिस तरीके से स्टार्ट करा है ना किंग ने, लाइक मुझे तो लगता है सच्ची बताऊ आई लिटरली थॉट दैट ही इज लाइक जो अपनी जर्नी के स्टार्ट है जहाँ से फ्रॉम वेयर ही केम एंड लाइक वो सारी चीजें वो बता रहे। सो वॉर क्राई मतलब मैं सिर्फ टाइटल के साथ रिलेट नहीं कर पा रही जिस तरीके से स्टार्ट करा, बट मे भी हो सकता है सबके गाने को, बट आई हैव बीन लाइक दैट। मतलब जो म्यूजिक बोलो बीट है जो स्टार्टिंग है तो बहुत सही है। अगर किंग का ये तो रफ्तारबाजी का दिखता है वो पार्ट क्या होगा। सो रहे वो सुनता अब किसी की है कहाँ। मैं सच कहूँगा तो कड़ी भी लगेगी, पैसा जो नचेगा हाथों पे दुनिया बस तेरी सुन लेगी। ये सच के तू भी मरेगा और वो भी मरेगी, जो सब ही रह जाने यहाँ पे शांति किसे मिलेगी। अब हाय हाय मैंने कितने पाप किए हिसाब ही नहीं, मैंने कितने साफ किए गरीबी में जिया और कितने साल दिए। अब पूछो मुझसे क्या है सही और क्या है गलत, पर honestly I don't give a। आंखें खुली मेरी दुनिया में तब से लड़ा इस दुनिया से, शायद कोई राजा ना होता जो दबके जिया होता लालच की दुनिया में। ये वैसे तो नाम ही है पर करना चाहता है ऐसा कुछ इस दुनिया में कि फिर से ना सोचे कोई, छोटे घर के ना बन सकते देश की बुनियादें। सॉरी मतलब आई एम पॉजिंग है, मुझे पता है मुझे भी ऑफिस किंग है जो नाम वाला पार्ट गाना, मुझे हसल हसल याद आ गया जब उनसे पूछा गया था उनके नाम के बारे में दैट व्हाई यू डिसाइडेड योर स्टेज नेम टू मेक इट, तो कुछ इस तरीके का ही उन्होंने रिप्लाई करा था उस चीज को लेके। सो आई एम मतलब लाइक आई डोंट नो बट या मुझे काफी ज्यादा मतलब व्हाई मैं वो हसल वाला बैक इन दैट डेज आई एम गोइंग आई डोंट नो, बट जो भी है किंग द वे ही इज नरेटिंग आई एम लाइकिंग इट एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों को भी पसंद आई होगी। बट ऑब्वियस है बट और जो बीट भी आया कमाल का बीट है, मतलब मेरी मुंडिया से ऐसे ऐसे धुल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी का क्या हाल हुआ। मुझे एक्चुअली डी एच एस नगर है जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो किंग के फैंस होंगे आई कैन अंडरस्टैंड लाइक क्या फील कर रहे हैं। आंखें खुली मेरी दुनिया में तब से लड़ा इस दुनिया से, शायद कोई राजा ना होता जो दबके जिया होता लालच की दुनिया में। ये वैसे तो नाम ही है पर करना चाहता है ऐसा कुछ इस दुनिया में कि फिर से ना सोचे कोई, छोटे घर के ना बन सकते देश की बुनियादें। मैं क्या करूं जो ख्वाबों को राजा ने मारना सीखा नहीं है, अंदर में मेरे एक डर है जो अभी भी दुनिया को दिखा नहीं है। मैं कुछ इस हिसाब से लिखता हूँ जिंदगी और मेरे बीच की ये बातें, इसमें है सब कुछ लिखा पर हारना कभी भी लिखा नहीं है। डबल के अंदर होनी चाहिए एंड आई कैन से दैट इसमें से कई सारी बातें तो वो आज के यूथ कह लो लौंडे कह लो, सिर्फ लड़के ही लड़कियां भी रिलेट करेंगी अगर कोई सुन रही है गाना सुना है तो। एंड प्लीज कमेंट करके बताना गाइस इफ यू आर रिलेटिंग इट, ठीक है, बिकॉज आई एम रिलेटिंग इट। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हो, बट ऐसा नहीं है भाई, जब जस्ट मुझे जो फील हो रहा है बस मैं वही एक्सप्रेस कर रही हूँ, अननेसेसरी आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्रेस एनीथिंग। अभी भी दुनिया को दिखा नहीं है, मैं कुछ इस हिसाब से लिखता हूँ जिंदगी और मेरे बीच की ये बातें, इसमें है सब कुछ लिखा पर हारना कभी भी लिखा नहीं है। ये मेरी गलती है मैं ये भी जानता, जो खुद से ना बना मैं उसको कुछ नहीं मानता। बिना लक्ष्य के जिया जो बंदा होता नहीं किसी भी काम का। मेरा बाबा कहता
I love this Julia part. धूपों में तपके बना नंगे पांव वो रेसों में भक्के बना उसने हद से हवा बदली तब का बड़ा तब वो बाप के पैरों के तख्ते बना लड़के लक से बना लड़का हक से बना जीता मेहनत और दर्दों को चस्के बना दे ही मारे तो खाता वो चूरा चना अब वो औरों को देता है नक्शे बना माजे एक तरफ किंग का नरेशन एक तरफ रफ्तारबाजी का नरेशन मतलब दोनों ही ठीक है दोनों ही जो नरेट करते हैं तो कमाल है रफ्तारबाजी तो एवरीवन नोस दैट वो कमाल के नरेटर है ही बट यहाँ पे किंग का एक फ्लो अलग है रफ्तारबाजी इस फ्लो से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगेन वो भी सारी चीजें बता रहे हैं लाइक पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस हवाबाजी टाइप में लाइक एक्चुअली जो स्ट्रगल फेज है ना जो सारी चीजें उसको बहुत सही तरीके से बता रहे हैं रफ्तारबाजी और बेस्ट बड़ा तब वो बाप के पैरों के तख्ते बना लड़के लक से बना लड़का हक से बना जीता मेहनत और दर्दों को चस्के बना दे ही मारे तो खाता वो चूरा चना अब वो औरों को देता है नक्शे बना मांझे से काटे जो गुड्डे थे सस्ते वो मांझी सा काटे पहाड़ों में रस्ते जो पाड़े पड़ा फिर रखाड़े खड़ा उसके कंधे थे छोटे पर भारी थे बस्ते ये बंदर भी देखे मदारी बना जिम्मेदारी ले घूमे सवारी बना साइकिल को तू भी फरारी बना चाहे खंजर से किस्मत की धारी बना तू बस कलम उठा ये ताज है तेरा मैं बोलूं तुझको राज क्यों की राज है तेरा दुनिया वालों को दे दुनिया अपना खुद का तू जहान दे मेरा जो फेवरेट लाइन होगा ना वो ये है मैं बोलूं तुझको राज क्योंकि तू करने राज यहाँ ये मेरा फेवरेट लाइन कलम उठा ये ताज है तेरा मैं बोलूं तुझको राज क्योंकि राज है तेरा राज दुनिया अपना खुद का तू जहान दे बना जो खोलेगा बोलो की बोली भी तेरी लगेगी पता तू बुलेया मैंने इतने बार सहे निशान भी नहीं मेरा बेड़ा जो पार करे वो दीवान की मेरी सारे सांपों को मार परे अब पूछोगे मुझसे कि क्या है सही और क्या है गलत घर पे तो पत्ती का डब्बा और डब्बे के अंदर एक चाबी दबी थी देखा जो गौर से मैंने तो डब्बे के ऊपर भी धूली जमी थी मेरी माँ ने कहा लेके आ बक्सा कीमती कुछ चीजें रखी थी वो कोने पड़ी ओके नाउ यहाँ पे किंग अपनी मम्मा के कॉन्वर्सेशन को भी नरेट कर रहे हैं दैट्स नाइस मतलब एल्बम में ही स्टार्टेड नरेशन विद दिस जर्नी देन उनके पापा ने उन्हें क्या बात कही है उसके बाद है अब मम्मा फिर थी और डब्बे के अंदर एक चाबी दबी थी देखा जो गौर से मैंने तो डब्बे के ऊपर भी धूली जमी थी मेरी माँ ने कहा लेके आ बक्सा कीमती कुछ चीजें रखी थी वो कोने पड़ी एक फोटो पुरानी और एक घड़ी शायद यादें जुड़ी थी मैं पूछा ये कौन है फोटो में जो दिख रहा अभी जिंदा नहीं है बताया गया मुझे नाम और बोला ये साधारण बंदा नहीं है नाम लाहौरी सिकंदराबाद से जड़ी भी तेरी जुड़ी है ये वो है जो तेरे पिताजी को पाल बड़ा की ये रोटी भी इन्हीं की दी है मैं कहना चाहती हूँ कि देने के जैसे निरंग सदा ये घड़ी बताती बस वक्त चाहे बंदा हो जाए जितना बड़ा तू भी देखेगा नजारे कौन होगा तेरे साथ में खड़ा सुन ले राजा पहले ये दुनिया हंसेगी तुझे गिराना भी चाहेगी नीचे और कमी गिनेगी ये सच है तू जो लिखेगा बातें वो होके रहेंगी तो सच ही कह जाना सारा ना बाद में खाक बचेगी अब पता तू बुलेगा I'm sorry but
प्यार है, देखो जो भी किंग के मामा का और उनके बीच का कॉन्वर्सेशन किंग ने अभी यहाँ पे नरेट किया, वो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट हर मतलब आई वुड से 10 में से 9 लॉन्डो को उनकी मम्मी ने यहाँ समझा दिया था, तू गिरने की कोशिश करेगा मतलब दुनिया तुझे खींचना चाहेगी, तुझे वो हालात बताएंगे कि तेरे साथ कौन खड़ा था, यानी ये मतलब अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, बट जितने प्यार से किंग ने उसको एल्बम में यूज किया है ना, दिस शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ राइटर हम सब जानते हैं, सिंगर कह लो, रैपर कह लो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही है, सो आई डोंट नो, बट या आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई लाइक किंग्स वर्क, जब तक मेरा आसान था किंग्स, ठीक है तब का टाइम था और आज का टाइम, आई फील प्राउड, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था दैट किंग, मतलब मैं किंग की फैन, ये सच है तू जो लिखेगा बातें वो होके रहेंगी, तो सच ही कह जाना सारा ना बाद में खाक बचेगी, अब बता तू भूले मुझे जिंदगी क्यों यादी, तूने कहाँ से शुरू करी और कहाँ ये आ गई, पहले कितना डरता था अब किसी से डरता नहीं, चल रहा तूने दी, अब बता तू भूले मैंने कितने पाप किए, बैंग ऑन भाई बैंग ऑन, मैंने कितने साफ किए, गरीबी में जिया और कितने साल दिए, अब पूछोगे मुझसे कि क्या है सही और क्या है गलत, but honestly, don't give a okay, लगता है गाना खत्म हो चुका है, ठीक है, so this was War Cry, King और अवतार पाची का, and as I said, it was unexpected, so it was not expected कि इस तरीके से, but देखो, as I said, I feel proud that मैं King को हंसे से follow कर रही हूँ, and I really love his each and every song, each and every song literally मैं सुनती हूँ, and I love it, ठीक है, और ये वाला song जैसे अवतार के साथ, you will be glad, और तुम ना जैसे सारे, of course, we just have to follow, you will be smart, बाय, टेक केयर, अंदर तक नहीं जाओ यार।